रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल, लेकिन रिया के भाई शौविक अभी भी रहेंगे जेल में क्योंकि उनकी बेल प्ली को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के डोमेस्टिक हेल्प सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी बेल मिल गई है। वहीं कोर्ट ने रिया के सामने बेल के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके अकॉर्डिंग रिया को 10 दिनों तक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना होगा। साथ ही रिया को अपना पासपोर्ट भी डिपॉजिट करना होगा और कोर्ट की परमिशन के बिना वो देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिया शुड इन्फॉर्म द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इफ शी हैज टू लीव आउट ऑफ ग्रेटर मुंबई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने भी बेल के लिए कोर्ट ने यही शर्तें रखी हैं। कोर्ट के सामने एनसीबी के वकील ने कहा था कि बेल प्ली को एक वीक के लिए होल्ड पर रखा जाए ताकि वो अपील कर सकें, लेकिन कोर्ट ने एनसीबी के वकील की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बेल के लिए रिया और बाकी अक्यूज्ड के सामने स्ट्रिंजेंट कंडीशन रखे गए हैं, ऐसे में बेल पर एक वीक का स्टे नहीं रखा जा सकता। रिया के लिए कोर्ट का ये ऑर्डर बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन रिया के भाई शौविक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल शौविक की तरफ कोई लीनियंसी नहीं दिखाई है। रिया लगभग एक महीने से जेल में थी और अब जाकर उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। रिया को बेल मिलने के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, वी आर डिलाइटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ग्रांटिंग बेल टू रिया चक्रवर्ती। Truth and justice have prevailed and ultimately the submissions on facts and law have been accepted by Justice Sarang V. Kotwal. The arrest and custody of Rhea was totally unwarranted and beyond the reach of law. The hounding and witch hunt by three central agencies, the CBI, ED and NCB of Rhea should come to and end. We remain committed to truth. Satyamev Jayate. वहीं रिया के लिए एक और राहत की खबर तब आई थी जब एम्स डॉक्टर्स पैनल की रिपोर्ट में सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ली है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने एम्स की इस रिपोर्ट को ग्राउंड ब्रेकिंग बताया था और कहा था जो भी रिया को इस मामले में अक्यूज कर रहे थे उन्हें शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल्स सामने आ गई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच किसी तरह का बड़ा कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के ट्रैवल, स्पा और गिफ्ट्स पर 55 लाख रुपीस जरूर खर्च किए थे। वेल, फिलहाल के लिए रिया के लिए कोर्ट से गुड न्यूज आई है एंड शी मस्ट बी रिलीव्ड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट।